सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक दिन सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहेब जी महाराज बैठे शोभा पा रहे सन, तां उत्थे एक सिद्ध जोगी आया। वंदना करके बोलिया, आप जी ने जद तों गुरियाई लई है तद तों मैं हिरदे विच शरदा धारी है ते आप जी दे हितकारी दर्शन करना चाहुंदा रहा हाँ। हुण मेरे वड्डे भाग जागे हन कि मैं आप जी दे आके दर्शन किते हन। मैं काफ़ी लंबे समय तक योग तप किते हन अते सिद्धियां प्राप्त करके कई मनुखां नूं अपने अधीन किया है, पर मेरे अपने मन विच शांति नहीं आई है। बेशक सारे जगत दे लोग मैनू मानते हैं, सब तरह नाल वेख के मैं हिरदे विच विचार कीती है, यह सिद्धां दा लौकिक विहार है, कष्ट सह सह के योग तप तापिया है, पर मैनू आनंद प्राप्त नहीं होया। हे सुखां दे दाते, मैनू अपनी शरण विच रखो, उस तरह का उपदेश दिओ जिस तरह मैं आनंद प्राप्त करा, लंबे समय तो मेरी आशा है। वड्डी कृपा करके मेरी यह आस पूरी कर दिओ। गुरु जी ने जोगी नू अपना भगत जाणिया ते सतगुरु जी ने उसनू कहा, यह शरीर छड के होर शरीर धारण करो, फिर साढ़े पास आ के आनंद लवो। गुरु जी पासों इस तरह सुन के चला गया। गुरु जी दे प्रेम नू हिरदे विच धारण करके अते सारे जग तो वैरागमई हो के अपनी इच्छा अनुसार शरीर नू छड़ दिता। ओह जोगी वासना धार के दूजे जन्म विच गुरु जी दी कुल विच पैदा होया। गुरु जी दा आज्ञाकारी हो के अपनी इच्छा लै के प्रगट होया। श्री गुरु अमरदास जी दे घर दो पुत्र पैदा होए सन, ओह इन्ने शुभ सन मानो चंद होण। वड्डे दा नाम मोहन सी, जड़ा वड्डा वैरागवान अते निष्काम सी। ओह ज्ञान दे आनंद विच सदा लीन रहिंदे सन, उहनां दे हिरदे विच लेश मात्र भी विकार नहीं सी। वड्डे अवधूत सन अते सदा इकल्ले रहिंदे सन, किसे दी गल सुणदे नहीं सन अते ना ही आप किसे नूं मुख नाल कुछ कहिंदे सन। मौन धार के स्थिर रहिंदे सन, सब गुणां दे समूह दे मानो ओह मंदर सन। उहनां दा कदी भी पराई बिरती विच चित नहीं सी जांदा, सदा ही शांत रस दा स्वाद ग्रहण करदे सन। दूसरे सपुत्र दा नां मोहरी सी, जिहड़े बड़े चतुर सन, जगत दे कारोबार विच ओह बड़े बुद्धिवान सन। इहनां दा जिहड़ा पहला सपुत्र पैदा होया उस दा नां अर्थमल रख्या। परम भगती दे गुणां दे समूह नूं प्रेम करन वाला सी। जिहड़ा वड्डे भागां वाला गुरु जी दी कुल विच पैदा होया, उस दे पिछों जिहड़ा गुरु जी पास जोगी आया सी, ओह बहुत प्रसन्न हो के पैदा होया। उसने पिछले जन्म विच बहुत साल योग तप कीता सी। ओह गुरु जी दे घर पोतरा रूप हो के विशाल शरदा धारण करके पैदा होया। ज्ञान प्राप्त करके उसने आनंद प्राप्त किया। ज्ञान आनंद की प्राप्ति लई जो वासना है ओह पली ते मुक्तिदाता है। अंतरजामी गुरु जी सब कुछ जान गए। जद उन्होंने अपने कन्ना नाल पोतरे दे जन्म बारे सुनिया तां भाई बल्लू नूं आग्या कीती, जो मोहरी दे घर पुत्र पैदा होया है उसनों मेरे पास लियाओ, जिहड़ा आनंद की इच्छा धार के पैदा होया है। यह सुन के सेवक उस थां गया जिवें गुरु जी ने फरमाया सी। मोहरी परिवार नूं दस्या गुरु जी दे आग्या नूं कौन मोड़ सकदा सी। तुरंत थोड़ा समा पहला जन्मे कोमल बाल नूं रूई सहित वस्त्रां नाल लपेट दिता। भाई बल्लू ने उसनों चुक के अपने हत्थां ते रख लिया, हौली हौली सतगुरु जी दे पास लियाया। यह बड़ा वड्डा भागी है सारयां ने मन विच जाणिया।
सतगुरु जी ने पोतरे नूं अपनी गोदी विच चुक लिया। सारे परिवार ने बड़ी खुशी मनाई। भगवंत गुरु जी भाई बल्लू नूं कहण लगे, इह वड्डे शुभ संत ने अवतार धारण किया है, इस दे हिरदे विच आनंद की इच्छा है, इसने साड़ी कुल विच जन्म लिया है, इसका नाम आनंद रखो, यह महापुरख होवेगा अते सारे गुण ग्रहण करेगा। असी भी इसनू सुंदर बाणी उचारण करके गुणा का घर रूपी नजराना देंगे। उस बाणी का नाम भी आनंद रखांगे। ओह बाणी मनोकामना देन वाली होवेगी जिसका असी उचारण करांगे। इस तरह भाई बल्लू नू कह के गुरु जी बड़े उत्साह नाल बाणी उचारण लगे। चित विच बड़ा मोह धारण करके पोतरे नू गोदी विच चुकिया सी अते बाणी दा उचारण कर रहे सन। उन्हां ने 38 पौड़ियां अपने पोतरे नू समर्पण करके उचारण कीतियां। जिवें पोतरे दा नाम आनंद रख्या सी, उस तरह बाणी दा नाम भी आनंद रख्या। बाणी दा नाम आनंद रख के गुरु जी भी आनंदित हो गए। फिर भाई बल्लू नू बालक फड़ा दिता। वह उसनू तुरंत चुक के घर लै गया। बालक दी माता जी नू बच्चा फड़ा दिता। वह अपने पुत्र नू वेख के बहुत प्रसन्न होए। जब भाई बल्लू दोबारा गुरु जी दे पास आया तो गुरु जी ने आनंद मंगल पैदा करने वाले बचन का उचारण किया। हे भाई बल्लू, हुण ढोलकी अपने हाथ विच लै लो। कोठे उत्ते चढ़ के चंगी सुर दे नाल ढोलकी वजाउंदे होए आनंद दी बाणी दा गायन करो। बहुत लोगों नूं सुना के उन्हां नूं खुश करो। यह बाणी सुंदर गुणा नाल भरी है। जिहड़ा भी इस बाणी नूं सुनेगा वह जो भी कामना धारेगा सो पाएगा। नित इस नूं पढ़न दा नेम पूरा करो। कोई भी वस्तु उस वास्ते अलभ नहीं होवेगी। जो चाहेगा सो पाएगा। भगती मुक्ति दा यह फल देण वाली है। सारे पदार्थ सहज सुभा प्राप्त कर लेगा। सिखां दे कल्याण वास्ते इस दी रचना कीती है। पढ़ सुन के ओह महान सुख प्राप्त करनगे। सब कारजां नूं सिद्ध करेगी जिहड़ा भी इस नूं प्रेम नाल धारण करेगा। सब खुशियां दे मौके ते इस नूं पढ़न नाल कारज निर्विघन पूरे होणगे। गुरु जी दी आग्या पा के सेवक बल्लू अपने पास ढोलकी लै के तुरंत कोठे ते चढ़ गया ते उत्तम धुनी विच ढोलकी वजाउण लगा। 38 पौड़ियां दा उसने गायन कीता अते बड़ी उच्ची आवाज़ विच बाणी लोकां नूं सुनाई। जिन्हां जिन्हां ने भी अपने कन्नां नाल सुनिया उहनां दिआं हिरदिआं विच भगती प्रगट हो गई। आनंद देण वाली शुभ बाणी दी रचना कीती जिहड़ी भगती वैराग अते ज्ञान नाल भरी होई सी। जद चौथे पातशाह होए तो एक पौड़ी की रचना उन्होंने की। एक पौड़ी श्री गुरु अर्जन देव जी ने रच के नाल जोड़ी। आनंद का महात्म 40 पौड़ियाँ पढ़ के ही प्राप्त होंदा है। जेडे आनंद साहब की बाणी का पाठ अमृत वेले करते हैं उन्होंने मुक्ति दाते गोबिंद नाल मेल होंदा है। जब काफ़ी समा बीत गया तो फिर गुरु जी के तीसरे पोतरे ने जन्म लिया। उसका नाम अरजानी रख्या। वह पिछले जन्म विच सतगुरां दा वड्डा भगत सी। खून रहित सी इसलिए उस विच प्राण नहीं सन। उसदे माता जी ने बहुत दुख मनाया। उसनू लै के गुरु जी दे पास पहुँच गए। माता नू रोंदी वेख के गुरु जी ने उसनू अपना चरण छुहाया। उस वेले जीवित हो गया। माँ यह वेख के बहुत प्रसन्न हो गई। जद काफ़ी समा घर विच बतीत कीता ता बालक फिर चढ़ाई कर गया। जब माँ ने देखा दुख नाल आतर हो के गुरु जी दे पास आई। निमाणी हो के रोंदी होई ने बेनती की, हज़ारां लोगों की सहायता करते हो, तुसी सहज सुभा जगत दे गुरु हो, इस करके मेरे ते अपनी कृपा करो, मेरे मरे हुए पुत्र नू जीवित करो। निमाणी नूह दे जद बोल सुने तां उहनां दे सुंदर नैण कृपा नाल भर गए। बालक नू तुरंत फिर जीवित कर दिता। उसका नाम अरजानी रख दिता। गुरु जी के 3 पोतरे सन जिहड़े बाबा मोहरी जी के सपुत्र सन। वह जग विच बहुत मशहूर होए। दिन ब दिन साड़ी कुल वधेगी।
गुरु जी ने यह वर दिता जिस नूं सुन के घर वाले बहुत प्रसन्न होए। बाबा मोहरी जी की इस तरह संतान होई। बाबा मोहन जी की जिवें कथा सी वह इस प्रकार सी, शरीर की सोझी पक्षों वड्डे त्यागी सन, सतगुरु जी दे इह सपुत्तर पूर्ण पुरख सन, वादा घाटा कुछ नहीं समझते सन, ते खुशी गमी भी उन्हां वास्ते एक समान सी। अंतरमुखी रस ने मन नूं खिंचया होया सी। एक दिन गुरु जी ने अपने सपुत्र मोहन नूं वेख के सहज सुभा वचन किते, आओ पुत्र मोहन मस्ताने, तू सदा ही सहज स्वरूप विच गलतान रहिंदा है। उस दिन तो बाबे मोहन जी सोझी रहित हो गए, शरीर की सोझी अते द्वैत भावना का नाश हो गया। शरीर के हुंदिया भी अपने शरीर नूं जानदे नहीं सन, महान आत्मा आनंद समान हो गई। अपनी कोठड़ी विच इकल्ले बैठे रहिंदे सन, मन नूं इंद्रियां दे नाल इकट्ठा किया होया सी। कमरे के दरवाजे बंद किए हुए सन ते बाहर निकल के किसे नाल भी बोलते सुनते नहीं सन। एक दिन दरवाजे बंद ही रहे, बाबा जी बाहर निकल के मन प्रसन्न करन वास्ते गए। गुरु जी ने आग्या करके सिखां नूं बुलाया अते कहा, मोहन नूं लभ के अंदर बिठा दिओ। सिख उन्हां नूं जिथे किथे लभदे रहे, पर बाबा जी ऐसे अलोप होए कि सिखां नूं किते भी ना मिले। काफ़ी समय के बाद बाबा जी फिर अपने कमरे विच प्रगट हो गए अते सारे सिखां ने उन्हां नूं वेख्या। कदी उह दूसरियां नूं दिसणों हट जांदे सन, कदी फिर प्रगट हो जांदे सन ते मनुखां नूं दिसण लग पैंदे सन। कदी बैठे सिर नंगा रखदे सन अते मस्तानियां विहार करदे सन, भोजन दोवां हत्थां नाल खांदे सन, कदी बिल्कुल चुप रहिंदे सन अते कदी उच्ची उच्ची बोलदे सन। अपने सपुत्र की अजिही दशा वेख के बाबा मोहन जी की माता जी आनंद दाते गुरु जी के पास आए, मन दीन करके बेनती सहित बचन कहे, तुसी जिस वल भी अपनी दृष्टि करते हो तो कमले भी सियाने हो जाते हैं, मुरद्या नूं भी तुसी तुरंत ज्यौदा कर देंदे हो अते सिख संगत के सारे कारज सिद्ध करते हो। आप जी का वड्डा सपुत्र श्रेष्ठ बुद्धिवान सी, मोहन हुण मस्ताना किवें हो गया है? जे तुसी मन विच इस तरह जाणदे सी तां इसका फिर विआह क्यों कीता? वड्डी नूं पति बगैर दीन अते दुखी हो के बुरे हाली रह रही है, मैं पास जा के वेख के पछताउंदी हाँ, लाजवस हो के वह कुछ कहिंदी नहीं है। कदी भी प्रसन्न नहीं हुंदी, होर स्त्रियां नूं वेख के मन विच सुखी नहीं हुंदी। संतानहीन वड्डी वियोगण है, शोकवान होण करके गहने कपड़े भी नहीं चाहुंदी। उस दे दुखी होण करके मेरा मन भी बड़ा दुखी रहिंदा है, जद मैं उसनूं डाढ़ी अनाथां वर्गी वेखदी हाँ। यह सुन के गुरु जी बहुत बड़े प्रसन्न होए। मोहन महा आनंद नाल मिले हुए हैं, मोहन ते मेरे विच कोई भेद नहीं, असी दोवें एक रूप हाँ। वह आनंद विवेक दे समुंदर विच लीन है। यह गुजी कथा वह किसे नूं नहीं कहिंदा, मोहन हर प्रकार नाल पूर्ण है। तू कह रही है कि मेरी नूँह अनाथ है, इसलिए यह कुछ उसनों जाके कहो, अपनी नूँह नूँ सुंदर कपड़े पहनाओ, फिर अपने नाल लै के मोहन दे पास जाओ, उसनों मोहन दे चरणा ते पाओ अते दीन हो के बेनती करो। जद मोहन की दृष्टि उस उत्ते पवेगी तद उसनों पुत्र दा वर प्राप्त होएगा। सतगुरु जी दे सुहावने बचन सुन के बाबे मोहन जी की माता ने आके अपनी वड्डी नूँह नूँ समझाया, फिर उसनों अपने नाल लै के बाबा मोहन जी दे पास गई। तद बाबा मोहन जी ने उस वल वेख के कृपा दृष्टि कीती, अपने पति नूँ वंदना करके आ गई अते उस तो बाद गर्भ धारण कर लिया। कुछ समय बाद एक आनंददायक सपुत्र ने बाबे मोहन जी दे घर जन्म लिया। गुरु जी नूँ आके ये खबर सुनाई, वधाई दे के बहुत आनंद मंगल किया, सारे घर विच खुशियां मनाईयां गईयां ते पोतरे दा नां संस राम रख्या गया। संस राम ने अपने पिछले जन्म विच वड्डी काल कमाई कीती सी, जिसने बहुत तापात कीते सन। जद बाल कुछ दिनों दा होया तां बच्चे दी मां परलोक सिधार गई,
उस उत्ते कृपाल गुरु जी ने बहुत कृपा की। उस बालक नू बड़ी मेहनत नाल पालिया। वह गुरु जी के सीत प्रसाद का भोजन करके बड़ा आनंद लेंदा सी। जद उम्र विच वड्डा होया तां वह सतगुरु जी की बाणी लिखदा सी। पहले गुरु जी की जिनी बाणी सी अते जेड़ी बाणी श्री गुरु अंगद देव जी अते श्री गुरु अमरदास जी ने कही सी, सारी बाणी नू उसने बड़ा सवार बना के लिखिया अते बाणी दे अर्थ समझ के महान सुख पाउंदा सी। अपने दादे दा सीत प्रसाद खाण करके वह वड्डा सिद्ध बन गया। इस तरह श्री गुरु अमरदास जी दे पोतरियां ने जेड़े समूह गुणा विच भरपूर सन जन्म लिया। कवि भाई संतोख सिंह जी कहिंदे हन, जेड़ा भी इस कथा नू सदा दिल ला के सुनेगा अते पढ़ेगा, जे वह बिना संतान दे होवेगा तां संतान वाला हो जाएगा। जेड़ा श्री गुरु अमरदास जी दी सुंदर कथा नू दृढ़ करेगा उस दियां होर कामनावां भी पूरियां होणगियां। इह कथा भुगती मुक्ति दी वड्डी दाती है। जिन्हां ने इस दे महात्म नू जाण लिया है वह बहुत वड्डा फल प्राप्त करनगे। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शणी जी, दास नू आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।